मुक्त एवं ध्रुव शिक्षा का जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, उसको हम कैसे फलीभूत करें, कैसे उसे हम लोगों तक पहुंचाएं, कैसे जो वंचित है उन तक पहुंचाने के लिए कैसे हम मीडिया का उपयोग करें, कैसे मीडिया का सदुपयोग करें, तो इस विषय पर हम चिंतन करेंगे। क्योंकि मुक्त एवं ध्रुव शिक्षा जब इसकी स्थापना हुई थी तो बहुत कम लोग जानते थे कि मुक्त शिक्षा क्या है, ध्रुव शिक्षा क्या है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कंसेप्ट को, एक कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं है कि मुक्त एवं ध्रुव शिक्षा क्या है। लेकिन धीरे धीरे करके मीडिया के माध्यम से और विश्वविद्यालय की जो एक प्रचार प्रसार विंग है उसके द्वारा इस शिक्षा का, इस प्रणाली का, इस पद्धति का प्रचार प्रसार किया गया और उत्तराखंड के सुगम से दुर्गम क्षेत्रों तक जो है एक अभियान के रूप में हमने इसे लिया, जिसे उच्च शिक्षा आपके द्वार करके, और घर घर तक हमने जो है उच्च शिक्षा जो वंचित थे उन तक उच्च शिक्षा पहुंचाने का हमने प्रयास किया और मीडिया की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसी को देखते हुए ये विषय का चयन किया गया कि कैसे मीडिया की भूमिका रही है और बेहतर कैसे मीडिया इसमें रोल प्ले कर सकता है, इसमें अपनी भूमिका अदा कर सकता है, इस पर हम चिंतन करें, इस पर हम मंथन करें। और इस पर चिंतन और मंथन करने के लिए हमने बड़े बड़े जो शिक्षाविद हैं, बड़े बड़े जो मीडिया जगत के विशेषज्ञ हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो सदस्य हैं और फॉर्मर प्रोफेसर एंड डीन BHU जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्कूल के प्रोफेसर BR गुप्ता जी हैं, प्रोफेसर OP सिंह जी हैं जो कि मालवीय पत्रकारिता संस्थान काशी विद्यापीठ से हैं, और प्रोफेसर राजेश कुमार जी हैं, और हमारे PTI के जो यहाँ पर हैं, तो कई फैकल्टी हैं, कई मीडिया के जो यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, मीडिया कर्मी हैं, तो सब लोग मिलकर इस पर चिंतन करेंगे कि खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें, जो यहाँ के भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो परिदृश्य है इसको देखते हुए मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है, किस तरह से बेहतर जो है मुक्त एवं ध्रुव शिक्षा को हर आदमी तक पहुँचाया जा सकता है, कैसे इसमें मीडिया का उपयोग करें, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या आज का डिजिटल मीडिया हो। तो अभी जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में यदि मीडिया की भूमिका की मैं बात करूं, एक विषय का जो स्वरूप है वो आपके सामने रखते हुए, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने किस रूप में मीडिया का प्रयोग किया और आगे क्या वो करने जा रहा है। अभी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने जगह जगह हमारे जो 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 4 कुमाऊं में हैं और 4 गढ़वाल में हैं, तो इन 8 क्षेत्रीय कार्यालयों में हमने क्या करा कि छोटी छोटी संगोष्ठियां कराई क्षेत्रीय लेवल पर। वहां पर हमने जो हमारे लगभग 150 सिटी सेंटर हैं उनके कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया। जब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एक प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा था, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, और हमने वहाँ के स्थानीय मीडिया के जो लोग थे उनको भी बुलाया, वहाँ पर संगोष्ठी करके वहाँ के लोकल अखबारों में उसका प्रचार प्रसार किया, जिससे कि लोग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को समझें और जानें। उसके अलावा समय समय पर हमने दोनों क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में भी और गढ़वाल क्षेत्र में भी संगोष्ठियाँ करवाई, जिसके माध्यम से लोग इसको समझें। उसके अलावा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का हेलो हल्द्वानी 91.2 FM जो कम्युनिटी रेडियो है, उसके माध्यम से भी हम जो है क्या कर रहे हैं, अपने जो हमारा लर्निंग जो मटेरियल है, जो अध्ययन सामग्री हमारी है, उसको हमारे जो टीचर्स हैं, कम्युनिटी रेडियो मतलब फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी, समुदाय का, समुदाय के लिए, तो समुदाय द्वारा, तो जो हमारी जो सामुदायिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं, उसके साथ साथ हमने उसका उपयोग अपने शिक्षार्थियों के लिए भी किया और हमारे लगभग 1200 जो व्याख्यान है वो ऑडियो के रूप में उपलब्ध हैं, जो कि हमारे रेडियो के माध्यम से समय समय पर ब्रॉडकास्ट होते हैं। तो एक हमने उस रूप में उसको लिया। उसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है, और अभी हम माननीय कुलपति जी से डिस्कस हो रहा था कि युगनों के तर्ज पर जो ज्ञान दर्शन उनका चैनल है, उसी तर्ज पर हम भी कोई एक मार्गदर्शन
या उत्तराखंड दर्शन करके कोई अपना एक चैनल हम भी खोलें, जो कि डीडी जो चैनल है उसके सहयोग से हम उसका प्रसारण या उसको हम संचालित कर सकें। तो कोशिश की जा रही है। उसके अलावा ब्लॉग जो हमारे हैं, प्रत्येक स्कूल के अपने अपने ब्लॉग्स हैं, फेसबुक पेज हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से और अन्य तमाम जो हेलो हल्द्वानी का ऐप भी है 91.2 एफएम का। तो कुल मिला के प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आपका टीवी, रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, और डिजिटल मीडिया में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऐप के माध्यम से भी हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये हमारी एग्जिस्टिंग पोजिशन है मीडिया के क्षेत्र में, अब हम बेहतर कैसे कर सकते हैं इसको, तो उसके लिए इस संगोष्ठी का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और इस संगोष्ठी में वरिष्ठ जन विषय विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं। जो हमारा दूसरा तकनीकी सेशन होगा उसमें हम सारे इस बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस चिंतन से, इस मंथन से जरूर कोई ना कोई अच्छा निष्कर्ष और अच्छा सुझाव निकलेगा, जिसे हम जो है अपने जो हमारा अभियान है उच्च शिक्षा आपके द्वार, घर घर शिक्षा, उच्च शिक्षा, इसको हम फलीभूत कर पाए हैं।